नमस्कार दोस्तों हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है मेरा नाम है विनीत सागर आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ सी सी ए एम एल आर सबसे पहले सीसीएमएल का फुल फॉर्म क्या है यह चेक कर लेते हैं कमीशन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ मरीन लिविंग मरीज देखिए एरिया में जितने मरीन लिविंग उनके कंजर्वेशन के लिए प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया था कमीशन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ अंटार्टिक मरीन लिविंग रिसोर्स रीजन लिए न्यूज में इसलिए आया है इंडिया ने अपना सपोर्ट वादा किया है फॉर प्रोटेक्टिंग द अंटार्टिक एनवायरमेंट एंड को स्पॉन्सरिंग ए प्रपोजल फॉर द यूरोपियन यूनियन फॉर द डेजिग्नेटिंग ईस्ट अंटार्टिका एंड द सी एज ए मरीन टेड एरिया देखिए दोस्तों अंटार्टिका के नॉर्थ वेस्टर्न पोर्शन में आपको इधर सी दिख रहा है ये जो ब्राउन कलर में दिख रहा है ना दोस्तों इस एरिया को मरीन प्रोटेक्टेड एरिया बनाने का प्लान है ये प्रपोजल यूरोपियन यूनियन की तरफ से था तो इंडिया भी सपोर्ट करेगा ये जो प्रपोजल में ये न्यूज में आया था तो अंटार्टिकन रीजन में ऑलरेडी कई सारे मरीन प्रोटेक्टेड एरिया है जैसे आप देख सकते हो सी तो प्रपोज है एक्सिस्टिंग देखिए रोस रीजन है रोस रीजन जो मरीन प्रोटेक्टेड एरिया है ये सबसे पहला मरीन प्रोटेक्टेड एरिया है ये आप समझ लीजिएगा इसके अलावा देखिए साउथ ऑकनी आइलैंड्स हैं अंटार्टिका का सी के नॉर्थ हैंड साइड में तो इस तरह की मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज ऑलरेडी है अंटार्टिकन रीजन में कई सारे प्रपोज भी हैं तो रिसेंटली यूरोपियन यूनियन ने जो प्रपोज किया है वेडल सी के जो सराउंडिंग एरियाज को मरीन प्रोटेक्टेड एरिया बनाने का इसमें इंडियन गवर्नमेंट सपोर्ट कर रहा है एक हाई लेवल मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुआ था जिसमें हमारा अर्थ साइंस मिनिस्टर जितेंद्र सिंह साहब अटेंड किए थे ठीक है इसके अलावा कई सारे कंट्रीज भी इस मीटिंग अटेंड किए थे तो हम देखेंगे CCM, का क्या है इसमें कौन कौन से कंट्रीज मेंबर्स हैं वो सारी चीजें देखिए इट्स एन इंटरनेशनल ट्रीटी किसके लिए बनाया था टू मैनेज एंटार्टिक फिशरीज तो बेसिकली आप यही समझ लीजिए दोस्तों टोटल अंटार्टिक मरीन इकोसिस्टम को कंसर्व करने के लिए उधर के स्पीशीज डाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने के लिए नाइनटीन एटी टू अप्रैल में एस्टैब्लिश हुआ था इसकी हेडक्वार्टर्स पे है होबार्ट टास्मानिया में टास्मानिया कहाँ पे है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के नीचे आपको एक आइलैंड टाइप का दिखेगा वो है टास्मानिया ये ऑस्ट्रेलिया का पार्ट है तो ही है उनका हेडक्वार्टेज इसमें ट्वेंटी सिक्स मेंबर कंट्रीज है दोस्तों एंड टेन एक्सीडिंग स्टेट्स है एक्सीडिंग स्टेट्स मतलब दे आर पार्टी टू द कन्वेंशन ये कन्वेंशन का पार्टी है पर परमानेंट मेंबर्स नहीं है एंड एक्सीडिंग स्टेट में बिकम ए मेंबर इफ इट इज एंगेज इन रिसर्च और हार्वेस्टिंग एक्टिविटीज ऑन अंटार्टिक मरीन लिविंग रिसोर्सेज जितने एक्सीडिंग स्टेट्स हैं अगर वो इंटरेस्टेड है अंटार्टिक एरिया में रिसर्च करने के लिए हार्वेस्टिंग एक्टिविटीज करने के लिए या फिर अंटार्टिक मरे लिविंग रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करने में अगर वो एंगेज रहेगा या एक्टिविटीज करेंगे तो वो मेंबर्स भी बन सकता है सीसीएमएल का ठीक है आपके लिए मेंबर्स ऑफ सीसी कौन कौन है अर्जेंटीना ऑस्ट्रेलिया बेल्जियम ब्राजील चिली चाइना यूरोपियन यूनियन फ्रांस जर्मनी इंडिया इटली जापान साउथ कोरिया नामीबिया नेदरलैंड्स, न्यूजीलैंड नॉर्वे पोलैंड रशिया South Africa, Spain, Sweden, Ukraine, United Kingdom. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड उर्गवे तो इतने सारे मेंबर्स है सीसीएमएल का अभी के लिए एंड एक्सीडिंग स्टेट्स कौन कौन सा है बल्गेरिया कैनेडा कुकाइलैंड फिनलैंड ग्रीस मॉरिशस पाकिस्तान पनामा पेरुअन वन वन टू तो इतने एक्सीडिंग स्टेट्स है इंडिया सीसी एम एल आर का परमानेंट मेंबर है नाइन एटी सिक्स है तो आप फाउंडिंग मेंबर नहीं बोल सकते क्योंकि नाइनटीन एटी टू में स्टैब्लिश हुआ था नाइनटीन एटी सिक्स में से इंडिया परमानेंट मेंबर है तो इंडिया की तरफ से हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ कोलाबरेट करते हैं करते हैं इसके और कोची में केरला में कोची में एक सेंटर फॉर मरीन लिविंग रिसोर्सेस एंड एकोलॉजी एक है ये एक ऑफिस है सीसीएमएल के साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एर्थ साइंसेस को ठीक है अब दोस्तों फॉर्मेशन ऑफ सी सी एम एल आर का थोड़ा सा बैकग्राउंड चेक कर लेते हैं द मरेन लाइफ ऑफ द सथेन ओशन हैज बीन हार्वेस्टेड 1790 1790 देखिए से सथेन ओशन को या फिर अंटार्टिक ओशन को एक्सप्लोर किया जा रहा है किसके लिए सीलेस फर्स्ट हंड्रेड फर सील्स फॉर देयर पेल्स अंटार्टिक में फर सील्स बहुत होता है ये फर सील्स का ये जो बाहर वाला स्किन है ना दोस्तों इसको फर बोलते हैं या फिर पेल्ट बोलते हैं तो इसके लिए सीलेस इन्हें हंट करता था एटीन तक इनके पूरे पॉपुलेशन वेयर क्लोज टू एक्सटिंशन जब यह खत्म हो रहा था सीलेस जो है धीरे धीरे एलिफेंट सील्स को हंट करने लग गया साथ साथ जो पिंगविन्स है उन्हें भी हंट करने लगे ऑयल के लिए इसके बाद 1904 में इन्होंने वेलिंग शुरू किया मतलब वेल्स के ऊपर भी हंटिंग शुरू किया करीब सात स्पीशीज ऑफ वेल्स लिविंग देयर एक्सटेंसिवली एक्सपोर्टर देखिए अंटार्क ओशन में या फिर सथेन ओशन में कई स्पीशीज था वेल्स का उन सबका लाइफ इन्होंने पूरा थ्रेट में डाल दिया लार्ज स्केल फिशिंग फॉर द फिन फिश बिगानिंग तरह का फिश है उन्हें भी फिश करने लगे वो भी लार्ज स्केल में फिर टारगेटिंग स्पीशीज सच स्पीशिय मैकेरल आइस फिश मार्बल रॉक रोट एंड पैटागोनियन रॉक कोट इन सब का एक्सप्लोरेशन कहीं हद तक ज्यादा था देखिए आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है मैकेरल मार्बल रॉक कोट पैटागोनियन रॉक कोट ये सब क्या है ठीक है ऑप्शन आ सकते हैं फिश है टर्टल्स है बर्ड्स है एनिमल्स है ठीक है इस तरह की क्वेश्चन आ सकता है तो नोट्स में इनकोपरेट कीजिएगा लेट नाइनटीन सेवेंटीज में सम स्पीश है फिश है उन्हें तो भी हंट करने लगे वो भी बहुत हाई लेवल में देखिए 4 लाख टन एनुअली 4 लाख टन ऑफ क्रिल फिश फिशिंग करता था सथेन ओशन से एंड species in the antarctic इन as sea birds सील्स वेल्स डिपेंड ऑन इट फॉर फूड देखिए कीस्टोन species मतलब क्या होता है कीस्टोन species मतलब एक एक्टिव मेंबर होगा फूड चेन का मतलब अगर कीस्टोन स्टोन खत्म हो जाएगा पूरी जो फूड चेन है ना दोस्तों उसको अफेक्ट करेगा मतलब देखिए अगर क्रिल्स स्पीशियस जो है क्रिल फिश जो है वो खत्म हो जाएगा तो उधर के जितने सी बर्ड्स है सील्स है वेल्स है उन सबका लाइफ भी थ्रट में आ जाएगा क्योंकि इनका मेजर फूड क्रिल फिश है समझ रहे हो आप तो इस तरह की स्पीशीज को की स्टोन बोलते हैं एंड में क्रिल एक की स्टोन है एंड इसी का ओवर एक्सप्लोटेशन हो रहा था तो इसलिए नाइनटीन में कुछ कंट्रीज ने मिलकर सोचा एक इंटरनेशनल कन्वेंशन होना चाहिए जिसमें कई सारे एक्टिव मेंबर कंट्रीज होनी चाहिए ये अंटार्कटिको इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करना प्राइम प्रायोरिटी होनी चाहिए तब जाके हमारा ये सी सी बना था अब दोस्तों फाइनली इंडिया सपोर्ट टू एम पी ए प्रपोजल मैंने आपको यह बताया था अंटार्टिक रीजन में ऑलरेडी एक्सिस्टिंग मरीन प्रोटेक्टेड एरिया है जैसे नॉर्थ साइड में आपको साउथ ओकनी एंड मिलेगा सथेन साइड में आपको रोसी रीजन मिलेगा ये जो रोसी रीजन है ये पहला मरीन प्रोटेक्टेड एरिया है ये भी ध्यान आप ध्यान दीजिएगा अब ये जो प्रपोस्ड मरीन प्रोटेक्टेड एरिया है वेडल सी ये आपको इधर दिखेगा ये जो वेडलसी वाला प्रपोज्ड मरीन प्रोटेक्टेड एरिया बनाने में इंडिया को स्पॉन्सर करेगा रोपियन यूनियन के साथ ये पहली बार हो रहा है इंडिया इस तरीके का एक एमपीए प्रपोजल को को कर रहा है एंड ये भी पहली बार हो रहा है कि इंडिया अर्जेंटीना ब्राजील चिली कोरिया न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका यूएसए जैसे कंट्री के साथ अलन होकर इस तरह का एक काम कर रहे हैं अब इंडिया ये क्यों कर रहे है दोस्तों मतलब एक मरीन प्रोटेक्टेड एरिया वो भी अंटार्क्टिका में इंडिया को स्पॉन्सर क्यों कर रहा है इसकी वजह दोस्तों देखिए ऑलरेडी कई सारे ग्लोबल कॉपरेशन फ्रेमवर्क्स हैं बेसिकली बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिया ऑलरेडी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यूएनडीड ऑफ ओशन कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इस तरह की जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स है ना इसमें ऑलरेडी इंडिया सिग्नेटरी है तो इंडिया की तरफ से भी कुछ ना कुछ ग्लोबल कॉस्ट के लिए करना चीना दोस्तों बहुत जरूरी है क्योंकि काफी सारे कंट्रीज ग्लोबल कॉस्ट के लिए बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं अब टाइम आ गया इंडिया को भी इस तरह की ग्लोबल कॉस्ट के लिए कुछ ना कुछ करना है तो इसलिए इंडिया अब ये एमपीए प्रपोजल को, को स्पॉन्सर कर रहा है तो दैट्स से एंड इट दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा आप लोगों की वैल्यबल सजेशन एंड कमेंट्स जो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा लेक्चर की पीडीएफ एसला आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है थैंक यू फॉर वाचिंग बाय बाय ए नाइस डे